रात के 9 बज गए हैं। गुल्ली और बुल्ली साथ में फ्री फायर खेल रहे हैं और तभी शॉन अंदर से आके गुल्ली से कहता है कि दूध खत्म हो गया है, मैं शहर जा रहा हूँ दूध लेने, नहीं तो कल सुबह चाय नहीं बन पाएगी। गुल्ली शॉन से कहता है कि इतनी रात को क्यों जा रहे हो, कल सुबह चले जाना। शॉन ने कहा कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा, तो मैं अभी जाके दूध लेके आता हूँ। गुल्ली ने कहा ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान से जाना क्योंकि रात को जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं। शॉन ने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं आधे घंटे तक वापस आ जाऊंगा। इतना कहते ही शॉन गाड़ी लेके निकल जाता है। गुल्ली बुल्ली फिर से गेम खेलने लगे। शॉन धीरे धीरे घने जंगलों से गुजर रहा था, लेकिन तभी शॉन को किसी की चमकती हुई आंखें दिखती है। शॉन को लगा कि पक्का ये कोई जंगली जानवर होगा। शॉन बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे ही शॉन करीब जाता है वो देखता है कि ये तो आइसक्रीम मैन रॉड है। रॉड शॉन से कहता है कि उसकी वैन आज खराब हो गई है, इसलिए वो चल के घर जा रहा है। रॉड ने शॉन से कहा कि आज तुम मुझे घर छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे रात को बहुत सारे जंगली जानवर घूमते हैं और यहाँ से घर चल के जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मुझे कोई जंगली जानवर भी खा सकता है। शॉन रॉड को हाँ कर देता है। रॉड गाड़ी में बैठ जाता है। शॉन रॉड पे भरोसा कर लेता है, लेकिन रॉड भरोसे के लायक नहीं है। रॉड एक नंबर का चीटर आदमी है। रॉड को देख के लग रहा है कि रॉड का इरादा कुछ और ही है और जरूर दाल में कुछ काला है। गेम खेलते खेलते रात के 2 बज गए। तभी गुल्ली का ध्यान घड़ी की तरफ जाता है। उसने बुल्ली से कहा कि रात के 2 बज गए, शॉन अभी तक वापस नहीं आया। बुल्ली ने कहा हाँ वो 9 बजे निकला था ये बोल के कि आधे घंटे में आ जाऊंगा, लेकिन 5 घंटे हो गए और शॉन अभी तक वापस नहीं आया। गुल्ली शॉन को फोन लगाता है, लेकिन शॉन फोन नहीं उठाता। बुल्ली ने गुल्ली से कहा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि शॉन ने मेरा फोन ना उठाया हो। बुल्ली ने कहा चलो हमें जाकर शॉन को ढूंढना चाहिए। गुल्ली बुल्ली स्कूटर पे शॉन को ढूंढने निकल जाते हैं। जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। गुल्ली बुल्ली को बहुत डर लग रहा था। तभी गुल्ली को शॉन की जीप दिखाई देती है। गुल्ली ने बुल्ली को कहा वो देखो शॉन की गाड़ी। गुल्ली ने कहा ये तो ग्रैनी का घर है, शॉन ग्रैनी के घर पे क्या कर रहा है। जैसे ही गुल्ली बुल्ली करीब जाते हैं, उन्होंने देखा कि वहाँ पे ग्रैनी ग्रैंडपा रॉड और जेसन खड़े है। ये देख के ही बुल्ली स्कूटर को पेड़ के पीछे ले जाता है और गुल्ली बुल्ली ग्रैनी की बातें सुनने लगते हैं। थोड़ी देर बातें सुन के गुल्ली बुल्ली को पता चला कि आज ग्रैंडपा का बर्थडे है। रॉड ग्रैनी से कह रहा था कि जैसा आपने कहा था कि आपको बलि चढ़ाने के लिए कोई बकरा चाहिए, ये लो शॉन द बकरा हाजिर है। ग्रैनी रॉड को शाबाशी देती है और कहती है कि आज इस बकरे को पकाकर खाने में बहुत मजा आएगा। और तभी रॉड शॉन को उठाकर घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग शॉन को मार के खा जाएंगे। बुल्ली ने कहा हाँ हमें जल्दी से कुछ करना होगा, हमें शॉन को घर से बाहर लेके आना होगा। गुल्ली ने कहा लेकिन हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो ये लोग शॉन के साथ साथ हमको भी पकाकर खा जाएंगे। बुल्ली ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए हमें शॉन को बचाना ही होगा। और तभी ग्रैनी ग्रैंडपा और जेसन घर के अंदर चले जाते हैं और गुल्ली बुल्ली भी धीरे धीरे घर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। गुल्ली घर का दरवाजा खोलता है। गुल्ली बुल्ली को ऊपर के कमरे से किसी की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और गुल्ली रूम का दरवाजा खोलता है। गुल्ली ने देखा कि ग्रैंडपा रॉड और जेसन बातें कर रहे थे और शॉन उस कमरे में नहीं था। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन इस कमरे में नहीं है, हमें किसी और कमरे में देखना चाहिए। तभी दूसरे कमरे का दरवाजा खुलता है। गुल्ली बुल्ली बहुत डर जाते हैं और वो दोनों भाग के बाथरूम में छुप जाते हैं। उस रूम से ग्रैनी बाहर निकलती है। गुल्ली बुल्ली ये सब देख रहे थे और तभी ग्रैनी को कुछ हलचल महसूस होती है। ग्रैनी बाथरूम की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी ग्रैंडपा ग्रैनी को बुलाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाथरूम से बाहर आते हैं और शॉन को दूसरे कमरे में ढूंढने जाते हैं, लेकिन तभी जेसन गुल्ली को देख लेता है। जेसन गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगता है।
गुल्ली बुल्ली दूसरे कमरे के अंदर जाते हैं। उन्होंने देखा कि शॉन वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था। गुल्ली बुल्ली शॉन के पास जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को किसी के आने की आवाज आती है। गुल्ली बुल्ली तुरंत छुप जाते हैं। तभी जेसन कमरे के अंदर आता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन गुल्ली बुल्ली दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। अगर जेसन ने गुल्ली बुल्ली को देख लिया तो उन दोनों की बैंड बच सकती है। गुल्ली बुल्ली बच जाते हैं। जेसन ने उन दोनों को नहीं देखा और वो कमरे के बाहर चला जाता है। जैसे ही जेसन बाहर जाता है, गुल्ली बुल्ली शॉन के पास चले जाते हैं। गुल्ली शॉन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन नहीं उठता। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि ग्रैनी किसी भी वक्त कमरे में आ सकती है, हमें कैसे भी करके शॉन को यहाँ से लेके जाना होगा, वरना ग्रैनी शॉन को मार डालेगी। हाँ गुल्ली, तुमने सही कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक काम करते हैं, पहले तुम घर के बाहर चले जाओ, अगर कोई खतरा ना हो तो तुम मुझे इशारा करना, मैं शॉन को पीठ पे उठा के आ जाऊँगा। गुल्ली ने कहा ठीक है, मैं पहले नीचे जाता हूँ। गुल्ली धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जाने लगा। गुल्ली को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। गुल्ली कमरे में से गुल्ली को देख रहा था। गुल्ली नीचे चला जाता है, पर वहाँ पर कोई खतरा नहीं था, इसलिए वो गुल्ली को नीचे आने का इशारा करता है। फिर गुल्ली शॉन को पीठ पे उठा के सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरता है, और तभी अचानक कमरे से ग्रैनी बाहर आती है। गुल्ली के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बुल्ली फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बुल्ली पीछे मुड़ता है, उसने देखा कि वहाँ पर जेसन, रॉड और ग्रैंडपा खड़े थे। ग्रैनी बुल्ली के करीब आती है। बुल्ली को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ग्रैनी बुल्ली को मारने लगती है। रॉड शॉन को फिर से ऊपर के कमरे में फेंक देता है और यहाँ ग्रैनी बुल्ली को धो डालती है। ग्रैनी बुल्ली को मार मार के बेहोश कर देती है। गुल्ली से ये सब देखा नहीं गया। वो अंदर आके ग्रैनी से कहता है कि बुल्ली और शॉन को छोड़ दो ग्रैनी, वरना ठीक नहीं होगा। ये सुन के ग्रैनी भड़क जाती है और जेसन, रॉड और ग्रैंडपा को बुलाती है। रॉड, जेसन और ग्रैंडपा कूद के नीचे आते हैं और गुल्ली को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लगता है कि बुल्ली की मौत तय है। गुल्ली सोचने लगता है कि अगर उसे बुल्ली और शॉन की जान बचानी है तो उसका यहाँ से जिंदा निकलना बहुत जरूरी है। तभी गुल्ली थोड़ा पीछे जाता है। गुल्ली ग्रैंडपा को खींच के एक चाटा लगाता है। गुल्ली जेसन और रॉड के बीच से निकल जाता है और जीप की तरफ भागने लगता है। ग्रैंडपा, ग्रैनी, रॉड और जेसन गुल्ली का पीछा करते हैं। गुल्ली जीप स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जीप स्टार्ट नहीं होती। ग्रैंडपा छलांग लगा के गुल्ली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जीप स्टार्ट हो जाती है और गुल्ली वहां से निकल जाता है। ग्रैंडपा वहीं पे गिर जाते हैं। अब तो ग्रैंडपा और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। ग्रैंडपा उठ के बोलने लगे कि इस लड़के ने मेरा मूड खराब कर दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जेसन ने ग्रैंडपा से कहा कि आप अपना मूड खराब मत करिए, मैं कल इस लड़के को ढूंढ के आपके सामने ले आऊंगा। ग्रैंडपा ने कहा ठीक है, आज मेरा बर्थडे है इसलिए मैं अपना मूड खराब नहीं कर रहा, लेकिन कल मैं इस लड़के को अपने हाथों से मारूंगा, फिर मुझे शांति मिलेगी। इतना कहने के बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं और गुल्ली बाबा के पास चला जाता है। उसने देखा कि बाबा एक्सरसाइज कर रहे थे। बाबा ने देखा कि गुल्ली आया है। गुल्ली बाबा के पास आता है। बाबा ने गुल्ली से पूछा कि क्या हुआ गुल्ली, तुम इतनी रात को क्यों आए हो। गुल्ली ने बाबा को पूरी कहानी बताई कि कैसे ग्रैनी ने शॉन को पकड़ लिया और जब मैं और बुल्ली शॉन को बचाने गए तो बुल्ली भी पकड़ा गया और वो लोग शॉन और बुल्ली को पकाकर खाने वाले हैं। वो लोग मुझे भी पकड़ने वाले थे, लेकिन मैं जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के आपके पास आ गया। बाबा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो गुल्ली, उस बुढ़िया ग्रैनी की अकड़ बहुत बढ़ गई है, मैं आज उसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। बाबा ने कहा चलो बुल्ली ग्रैनी के घर पे। गुल्ली गाड़ी स्टार्ट करता है। बाबा अपनी स्टाइल में बोनेट पे खड़े हो जाते हैं। बाबा और गुल्ली ग्रैनी के घर की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और जेसन ने पार्टी शुरू कर दी। शॉन और बुल्ली उसी रूम में बेहोश पड़े हुए थे। और दूसरी तरफ गुल्ली और बाबा ग्रैनी के घर पे पहुंच जाते हैं। बाबा गाड़ी से उतरते हैं। गुल्ली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। बाबा ने गुल्ली से कहा कि साइड में रहो गुल्ली। बाबा पीछे जाते हैं और दौड़ के दरवाजे पे लात मार के दरवाजा तोड़ देते हैं। गुल्ली और बाबा को ऊपर से म्यूजिक सुनाई दे रहा था। बाबा और गुल्ली सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। बाबा दरवाजा खोलते हैं।
बाबा और गुल्ली ने देखा कि शॉन और बुल्ली वहीं पे बेहोश पड़े हुए थे। बाबा ने देखा कि वहाँ पे ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और जेसन थे। बाबा गुल्ली से कहते हैं कि यहाँ पे तो चार लोग हैं। बाबा ने कहा कि हम चार लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकते, हमें इनको अलग करना होगा और एक एक करके मारना होगा। गुल्ली ने कहा कि बाबा हम ये करेंगे कैसे, और हमें ये जल्दी करना होगा, नहीं तो ये लोग बुल्ली और शॉन को मार देंगे। बाबा ने कहा रुको मैं कुछ सोचता हूँ, और तभी अंदर से बुल्ली और शॉन के चीखने की आवाज़ आती है। बाबा और गुल्ली ने देखा कि वो लोग शॉन और बुल्ली को मारने वाले थे, लेकिन तभी बाबा ग्रैनी को जोरदार किक मारते हैं। बाबा की किक से ग्रैनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। बाबा ग्रैंडपा और रॉड के साथ फाइट कर रहे थे, तभी जेसन पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गुल्ली जेसन को खींच के एक चाटा लगाता है। गुल्ली के चाटे से जेसन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जेसन, ग्रैनी, ग्रैंडपा और रॉड बेहोश हो जाते हैं। बाबा ने गुल्ली से कहा कि हमें शॉन और बुल्ली को यहाँ से लेके निकलना होगा। वो दोनों शॉन और बुल्ली को पीठ पे उठा के वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी ग्रैनी को होश आ जाता है। ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और जेसन को जगाती है। बाबा ने कहा जल्दी यहाँ से भागो गुल्ली। गुल्ली और बाबा वहाँ से भाग जाते हैं। ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और जेसन उनका पीछा करते हैं। बाबा ने कहा चलो गुल्ली नीचे बेसमेंट में चलते हैं। बाबा और गुल्ली नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। बाबा ने गुल्ली से कहा कि मैं तुम लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं। बाबा के मंत्र पढ़ते ही गुल्ली, बुल्ली और शॉन के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। बाबा ने गुल्ली से कहा कि जब तक तुम सुरक्षा कवच के अंदर हो, ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और जेसन तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते, तुम तीनों सुरक्षा कवच के अंदर ही रहना। बाबा ने गुल्ली से कहा कि अब मैं ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और जेसन के साथ लड़ने जा रहा हूँ। गुल्ली ने बाबा से कहा कि रुको बाबा, मैं भी आपके साथ आता हूँ। बाबा ने कहा नहीं गुल्ली, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। तभी ग्रैनी, ग्रैंडपा, रॉड और जेसन नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। ग्रैनी गुल्ली को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ग्रैनी को जोरदार करंट लगता है और ग्रैनी उड़ के दूर जाके गिरती है। गुल्ली ने ग्रैनी से कहा कि जब तक हम सुरक्षा कवच के अंदर है, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ग्रैनी गुल्ली से कहती है कि हिम्मत है तो बाहर आके दिखा, फिर तुझे दिखाती हूँ। बाबा ने ग्रैनी से कहा कि बच्चों के साथ क्या बहस कर रही हो, हिम्मत है तो मेरे साथ लड़के दिखा। और तभी ग्रैनी अपना डंडा फेंक के बाबा को मारती है। डंडा बाबा के सिर पे लग जाता है और बाबा वही गिर जाते हैं। गुल्ली बाबा को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन बाबा नहीं उठते। ग्रैनी गुल्ली से कहती है कि ये है तुम्हारा बाबा, एक डंडे में खेल खत्म हो गया। ग्रैनी ने कहा कि अब तुम लोगों को बाहर आना ही पड़ेगा, एक बार बाहर आ जाओ तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी। गुल्ली बाबा को फिर से आवाज लगाता है, लेकिन लगता है कि बाबा का खेल सच में खत्म हो गया है। अरे ये क्या, बाबा तो जिंदा है। बाबा का एक्सट्रीम मोड ऑन हो गया है, अब इन चारों का खेल खत्म होगा। बाबा बहुत गुस्से में उठते हैं और सबसे पहले बाबा अपने करंट से ग्रैंडपा को जला देते हैं। ग्रैंडपा का खेल वहीं खत्म हो जाता है। ग्रैनी ने कहा कि तुमने ग्रैंडपा को क्यों मारा, वो तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं रहे थे, कब से चुपचाप साइड में खड़े थे। बाबा ने कहा कि अब तेरा भी यही हाल होगा ग्रैनी। बाबा ग्रैनी और जेसन को मार देते हैं। बाबा रॉड को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रॉड बाबा के पैरों में गिर के माफी मांगने लगता है। रॉड बाबा से कहता है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा रॉड सॉरी बोल रहा है, इसे छोड़ दीजिए, इसे माफ कर दो बाबा। बाबा ने कहा कि तुम कह रहे हो इसलिए मैं इसे जाने दे रहा हूँ गुल्ली, लेकिन अगर तुमने कभी भी गुल्ली, बुल्ली और शॉन को मारने की कोशिश की तो तुम्हारा हाल भी इन तीनों जैसा ही होगा। रॉड ने कहा कि मैं इन लोगों को कभी नहीं मारूंगा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। इतना कहने के बाद रॉड वहां से भाग जाता है। बाबा ने ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन को मार दिया। बाबा अपनी पावर से बुल्ली और शॉन को ठीक कर देते हैं और अब गुल्ली, बुल्ली और शॉन खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे।